नाज़रीन वेलकम टू कराची कैटल इन्फो। आज 19 जून 2021 का दिन है और सुरापगुड मंडी में आपको पता है कि माल भरता जा रहा है, तो एक ट्राला अनलोड हो रहा था जनरल ब्लॉक में, तो मैंने कहा आपको आज थोड़ी अनलोडिंग दिखाऊं, क्योंकि अनलोडिंग बहुत कम दिखाई है आपको। ये देखें जानवर कैसे गुस्सा कर रहा है वाला। चले ये जानवर आ रहे हैं, देखते हैं कैसे अनलोड होता है। ये देखें जम मारे गई और ये जम मारी इसने। वो दो जानवर पहले अनलोड हो चुके हैं, वो नहीं दिखा सका आपको। अभी ये पूरा ट्राला भरा हुआ है, देखते हैं कि कैसे कैसे होते। ठीक है भाई, ये देखिए अभी उतरा है, थोड़ा बेचैन हो रहा है। नाजी ने देख सकते हैं सुरापगुड मंडी में माल उतर रहा है और लगातार उतर रहा है। ये अभी लाल जानवर, लाल वाला आएगा। ये चार जानवर उतर चुके हैं, ये देखें ये जानवर उतरने के लिए आगे। अब देखते हैं किस तरह की जब मारता है ये। अरे 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 अरे, देखें ये गिर गया थोड़ा बहुत। अरे 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 अरे, ये बेचारे की हालत ख़राब हो रही है वहाँ से ही। हल्का सा पाँव में लग भी गई, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, वो दर्द है मेरे ख्याल से वो सेट हो जाएगा। सही है माशाल्लाह, पाँव सही है। वो थोड़ा शायद खड़े खड़े थक गया है, बाकी कोई मसला नहीं है। ये देखें बड़ा भारी जानवर है अब जो आएगा। ये देखें इसका वो बनाया जा रहा है रैम, जिससे ये उतरेगा। ये एक लोहे का रखा है, बाकी ये क्या रखा है, भूसे के वो रखे हैं बोरे। यार ये इससे और फिसलेगा नहीं है, इससे फिसलेगा नहीं। और चले भाई, इनको वैसे ज़्यादा आइडिया इन लोग उतारते रहते हैं, मुझे लग रहा था इससे फिसलेगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। एक और जानवर आने के लिए तैयार। ये मुझे लग रहा है कुछ लंबी जंप मारेगा ही, क्योंकि बड़ा एक्टिव सा लग रहा है। ये देखें नाजीन, ये जानवर लाए जा रहे हैं। अरे 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 भाई, नीचे गिरा है वो। असल बात है जो रैम बनाया उसके नीचे एक तरफ खला बहुत थोड़ी भी है, दूसरी तरफ जगह नहीं है। ये देखें बेचारा डर के मारे इसका पाँव कप कप आ रहा है बिल्कुल। है हालांकि माशाल्लाह भारी अच्छा जानवर है। एक ये येलो वाला बछड़ा लाया जा रहा है, देखें उतारा जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से उतरता है, रैंप पे सही चलता है नहीं चलता। ये देख सकते हैं मजीद स्टेज थोड़ा बेहतर कर रहे हैं इसका उतारने के लिए। भैया उतारा जा रहा है एक और, ये देख सकते हैं ये सही उतरा है, ये बिल्कुल सही जगह पे इसने पाँव रखा है। माशाल्लाह उतरने के बाद कोई तंग वंग नहीं कर रहे, बिल्कुल सेट चल रहे। अंदर देख सकते हैं बहुत सारा माल है। अभी कितना लाए हो बाबा माल? अभी बिजी है इन लोग। साथ साथ इनका वो भूसा भी उतार रहे हैं। ये देखें थोड़ा तेज स्पीड में आ रहा है ये लग रहा है लंबी जंप मारेगा मुझे। ये देख सकते हैं काफी लंबी जंप मारी थी इसने। और बछड़ा आ रहा है, ये भी उतर गया, कोई मसला नहीं कर रहे माशाल्लाह इनके बच्चे सारे। वाइट कलर का बैल आ रहा है, इसका भी मुझे लंबा ऊंचा उड़ने का इरादा लग रहा है, देखते हैं क्या करता है ये। थोड़ा सा भाई इधर हो ना, नहीं माशाल्लाह बड़ा ही स्मूथली उतरा है ये।
ये देख सकते हैं नाज़रीन, एक और बच्चा उतरने के लिए रेडी है। सारे ही खूबसूरत चीज़ लाए हैं माशाल्लाह, बेहतरीन रंगो रूप में, नस्ल में, हर चीज़ में बेहतरीन है। ओह, बेचैन होते हैं बेचारे, परेशान होते हैं ये। नाज़रीन ये निकल रहा है इसके हाथ से, थोड़ा तेज़ निकल रहा था, ये थोड़ा तेज़ निकल रहा था इनके हाथ से। अब देखते हैं इसका क्या सीन है, कैसे उतरेगा ये। नाज़रीन ये देख सकते हैं किस स्पीड से आया था मेरी तरफ। उतर गया। अब खैर जानवर तो और बहुत सारे हैं, अब मैं आगे कोई और चीज़ कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतना मज़ा नहीं आ रहा मुझे अनलोडिंग दिखाने में। खैर शौक है तो हर जगह खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये क्या, और अब कुछ और दिखाने लेके आता हूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई ये चाचा है एक खीरे का पूछने, तो भाई बोल रहा था ये कि आप रही हो आप सौदा तोड़वा दोगे। बहरहाल अब देखते हैं मैं सौदा तोड़वाता हूँ या बनवाता हूँ। बहरहाल मेरा कोई यूट्यूब के ऊपर जो आप जो चला रहे हो, आप लोग चला रहे हो? जी जी, यूट्यूब के ऊपर हम लोग चला रहे हैं। क्या नाम चला रहे हो? मेरा नाम, मतलब चैनल का नाम है कराची कैटल इन्फो। भाई ये एक भाई है, तो इनके पास ये खीरा खड़ा हुआ है, और ये भाई पूछने आए हैं जो व्हाइट सलवार कमीज में। तो अब देखते हैं इनका सौदा बनता है या नहीं। वो व्यापारी साहब समझ रहे थे कि मैं सौदा तोड़वाऊंगा, बहरहाल मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, इन लोगों की बातें सुनवाता हूँ बस। ये समझ लेना कि ये सारा YouTube पे चलाएंगे ये। चलो चलाएंगे तो ठीक है। हाँ, ये चैनल वाले हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए आज आपका मैं थोड़ा परसेप्शन भी चेंज कर दूंगा। जैसे आपने बोला ना ये कि आप सौदा नहीं होने दोगे, तो ऐसे कोई नहीं यार सौदा, ये यकीन माने अब ये हमें जानते हैं। ये बोल रहे ना अपने यूट्यूब में हो, इसका मतलब इन्होंने यूट्यूब में कोई ना कोई चैनल देखा तभी यहाँ पे आए ना। चैनल पहले पूरे चैनल देख के आते हैं कि आज शहर के अंदर क्या चीज आई है वो सुना। ये हमारा सौदा भाई, बाबा पहले ही भाग गए 140 सुन के, और इनका कहना ये था ये कि मैं भगा दूंगा जबकि मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। ये चला रहे हो ये चैनल? हाँ हाँ, तो मैंने चैनल में थोड़ी कुछ कहा है, ये तो डायरेक्ट आया बंदा आपके पास। नहीं बाबा, नहीं, ये बंदा आपके पास डायरेक्ट आया, आपने डायरेक्ट रेट बताया। भाई देखो बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ऊपर पहुँचाएगा, बात पहुँचाएगा ना, वही इसका कारोबार यही है। हाँ, ये इसको चलाएगा, जितने लोग देखेंगे उससे पैसे मिलेंगे, कारोबार है। समझ आई, हम तोड़वाते उड़वाते नहीं है भाई, हम जो आपको बोलते हो हम वही एग्जैक्ट अल्फाज पहुंचा देते हैं ऊपर। इतना पैसा बोल दिया कि मैं बोलूंगा ना तो तू नाराज होगा, तो नाराजगी का पौधा भी बोलो ना चाचा। ये 40,000 की खीरी है। अच्छा, 40 पे अभी तू 1,20,000 बोल रहा है चाचा। 40 की तो 1,20,000 का तो यार प्लाट मिलने लग गया यहाँ पे, इतनी तोड़म फोड़ी। सही सही बात, देने वाला दाम बोल, तुम भी लेने वाला दाम बोल ना। मैंने तो बताया तेरे को ये इससे ज्यादा की क्या होगी। आपको क्या पालने के लिए चाहिए क्या? खीरा पालने के लिए? बेटा मैं सामने रहता हूँ सारी टाउन के अंदर। अच्छा, तो पालेंगे यहाँ से? मेरे घर पे जानवर हमेशा 2-3 महीने जो जगह है। अच्छा अच्छा, बीवी है, एक आदमी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, अब जैसे ये ले ली, ये रहेगी अगले साल तक के। सही सही सही, जिसके पास जगह उसके लिए तो खैर आसानी है। मेरे पास सुनो। हाँ बोले। ये बता रहा था 40 में। जी जी जी, अगले साल जो रख लेगा। हाँ हाँ, तो वो कितने का दिल देगा? ना ना, वो तो शौक का सौदा है। देख मैं अभी तेरे को बताऊँ, मेरे घर के अंदर जाएगा, बतखे हैं, स्वान जिसको कहते हैं। हाँ, वो अंडा एक नहीं देती, खाने का एक नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, साल में एक दफा नवंबर में वो बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं, वो भी 7, 9 या 11। अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर वो साल भर खाती रहती हैं, आप उनकी खिदमत करते रहे। बिल्कुल, तुमको ही मालूम है, बड़ी गर्दन वाली बता। ये सिर्फ शौक है, अंडा एक नहीं देती। सही, मुर्गियां हैं, कभी 4 मुर्गियां अंडा देती हैं, कभी 6 देती हैं, कभी 10 अंडे आ जाते हैं। सही, कुछ 30-35 मुर्गियां हैं। एक अभी इक्यूबेटर में के अंदर कल रात 2 बच्चे निकले, एक बच्चा मर गया, सुबह निकला। अच्छा, अब चीनी मुर्गी के अंडे के हिसाब में दिए, उसके बाद आधे तेरे आधे मेरे। ये शौक का मामला है, शौक है, ये कारोबार करने वाले आप लोग। सही कह रहे हैं, हमारा कारोबार नहीं है। 40 में एक दो जानवर से शौक थोड़ी, वैसे भी कारोबार थोड़ी होता है, ये शौक ही होता है। जिस दिन उस दिन जो है मैं कम से कम यहाँ खड़े होकर 4 ट्रक खरीदूंगा तुम्ही से, और यहाँ बेचना शुरू कर दूंगा। ये कारोबार होता है, कारोबार। सही सही कह रहे हैं। एक बच्चिया अगर मैं पूछने के लिए आया,
कि पहले तो मैं वहाँ से ले आता था मलीर 15 से कट्टू से जाके ले आता था। सही सही सही। तो मेरे घर के पीछे है तो यार यहीं पर मुझे मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है चाचू, लेकिन हमें भी रोजी नहीं होगी। रोजी मिलेगी, अल्लाह रोजी देने वाला चाचू नहीं, अल्लाह है। वो तो बात है, लेकिन बिल्कुल ये बात सही की आपने, रोजी देने वाला अल्लाह ताला है। बिल्कुल ऐसा ही, अल्लाह पे भरोसा है, उसको कभी भूख नहीं मारती। सही सही। लेकिन 65,000 की ये खरीदे उधर से। कितने? 65,000 की। महंगी ले लिया, किसी के पास भाई उसकी वजह ना देख, हम तेरे को बताएं, यहाँ पे गोश्त हम लोग जो लेते हैं 700 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, तीन दाम चल रहा है 700 रुपए किलो के हिसाब से बछिया का निकाल ले, सारा हिसाब तो निकाल लेगा। कट्टू की बछिया है ये, शौक का मसला है, शौक का मसला। तो अगर तू ये कहेगा कि हमने मैंने कुर्बानी के लिए रखी वो पिज्जा, अब मैं तेरे से कहूँ गा दे, ये गा दो तो है जो रीजन जी। गाय का रेट बिल्कुल अलग होगा, बछिया का दो दांत का रेट अलग होगा, चार दांत का रेट अलग होगा। यहाँ अब आप बना रहे हो बेटा, मगर ये कि शरई बात मैं आपको बता दूँ तो बड़ी तकलीफ देह बात हो जाती। जी जी जी। 6 महीने पहले सबके सिंग तोड़ देते। अच्छा। और ये सब ऐप वाली बन जाती है, ये मेरी नज़र में ये जानवर है कुर्बानी वाला। सही। इसका सिंग निकला हुआ। अच्छा जी, ये सब बाकी जितने तोड़ के लाए सिंग निकले हुए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ये तो घिसते हैं ना या तोड़ देते? घिसते नहीं है, तोड़ते हैं। अच्छा, जिनसे पूछ लीजिएगा बता देंगे। ये तोड़ने वाला नहीं आता है काम वो, हाँ? तोड़ने वाला काम, तोड़ने वाले से ऐब आ जाता बेटा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शरीयत जो कह रही है उसका बता। हमारे मगर ये जो खूबसूरत होता है ये बिल्कुल सही है, ये सींग सारे खड़े हैं, ये सींग वाले, ये सही है, ये कह रहे हैं ये सही है, इसमें कोई ऐब नहीं, ऐब नहीं है, नहीं है ना। सही है, अच्छा करते, ये अच्छा करते हो, बेहतरीन करते हो। बड़े बड़े जानवर सही, कुदरत ने भाई जब हमारे को उम्र दी तो उसके साथ दाढ़ी भी दी। बिल्कुल। हाँ तो फिर क्या सोचा यार, दे दो ना, खाली हाथ भेज रहे हो तुम लोग, दे दो चाचा को। चाचा को बोल रहे हैं 65,000 की खरीदे उधर से, अभी जो खर्चा करके ले गए। नहीं तो वो बोल रहे ना 65,000 में, तो नहीं है भाई। नाजिन यहाँ पे एक चाचा है, मैं ये पिछली क्लिप में भी दिखाया, ये एक गाय का पूछ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये गाय किस तरह की है। ये रही गाय, ये गाय, ये भाई बताएगा रेट क्या सीन है। खर्चा वही आ रहा है, फायदा नहीं भाई, तो होगा अभी तो बहुत बार मार्केट आएगा इंशाल्लाह, बहुत होगा। कितना? 4 दांत है, 6 दांत, 6 दांत बेचारे बिल्कुल ही भूखी खड़ी रही है। 90,000 कह रहा है 6 दांत, 90,000 रुपए जी, और वो भी VIP 6 दांत का मकसद ये हो गया, ये पूरी हो चुकी है, 8 साल की, 8 साल चले भाई। क्यों मांगो तुम, कितना पता तो लगे भाई, 90,000 रुपए कह रहे 6 दांत की 8 साल की बच्चिया की, जिसका गोश्त बिल्कुल ही रूखा हो चुका होगा, और मतलब वो चीज नहीं है ये, बताए बताने का ठीक है। अब ये बेचारे लगा ही नहीं रहे, ऐसी बात है, वो ऐसे रेट मांग रहे हैं तो ये लगा नहीं पा रहे इस वजह से, और ये क्या लगाएंगे, ऐसी बात है 90,000 लगाएंगे, चीज 30,000 की है तो वो थोड़ी लगा पाएंगे। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हैं।